सो हे गाइस, व्हाट इज अप, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। और गाइस, फाइनली हमारे पास है बॉश का DIY किट। और गाइस, इसके अंदर में आपको भर भर के बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, जिसके मदद से आप अपने घर के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काफ़ी सारे काम को अपने हाथों से ही निपटा सकते हो। और मैं समझता हूँ कि ये जो टूल किट है, ये हर इंडियन घर में होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करेगा। अब देखो, आपको जब भी कुछ घर में ड्रिलिंग का काम करना रहता है, आपको दीवार पर खूंटी टांगना है या फिर आपको पेंटिंग टांगना है, आपको लकड़ी का कुछ काम है, आपको लकड़ी में ड्रिलिंग करना चाहते हो, आपको कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह इंस्टॉल करना है, मेटल शीट में पाइप वगैरह में आपको कुछ ड्रिलिंग करना है, तो आप किसी प्रोफेशनल को हायर करते हो। और वो भाई साहब कब आएंगे कब नहीं आएंगे कोई गारंटी नहीं रहता है। और जब वो आते हैं 500-1000 रुपये से नीचे तो बात ही नहीं होता, आपको काफ़ी ज़्यादा आपका पैसा वेस्ट होता है। तो पैसा और वक्त दोनों अगर आपको सेव करना है, और तो आप इस तरीके के कुछ प्रोडक्ट पे आप इन्वेस्ट करो, ये आपको आने वाले 8-10 साल तक आपके घर में बहुत ही अच्छे तरीके से सर्व करेगा। और सारे के सारे जो टूल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से इस डब्बे के अंदर में ही ऑर्गेनाइज रहते हैं, तो आपको कहीं पे भी खोने का भी डर नहीं रहेगा। और इसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है, आपके जितने भी टूल्स हैं वो सारे के सारे इसी के अंदर में सेफ रहेंगे। तो आपको अनबॉक्सिंग फटाफट से दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ सैंपल्स वगैरह ड्रिल करके दिखाऊंगा। ये 1/2 इंच का मेरे पास एक लकड़ी का तख्ता है, इसके अंदर मैं आपको ड्रिल करके दिखाऊंगा। मेटल का पाइप भी मैंने रखा है और एक काफ़ी भारी भरकम सा मैंने ईंट भी ला के रखा है, इसके अंदर में भी आपको मैं ड्रिल करके दिखाऊंगा। तो अलग अलग सर्फेसेस के ऊपर में आप ड्रिल कर सकते हो। और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो कि आपको इसके अंदर में मिल जाते हैं, वो सब कुछ आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। इसके अंदर में आपको 6 महीने का वारंटी मिल जाता है, और जब आप इसको रजिस्टर करोगे बॉश के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, तो वहाँ पर आपको टोटल 1 साल का वारंटी और एक्सटेंड हो जाता है। तो टोटल आपको 18 महीने का वारंटी इस वाले के ऊपर मिल जाएगा। मैंने इस वाले ड्रिल मशीन को 4000 में बाय किया था। आप अगर थोड़ा सा सेल वगैरह का वेट करते हो तो आपको मे बी 100-200 रुपये आपको और सस्ते में मिल जाए, तो डिपेंडिंग अपॉन आप कब बाई करो ये आपको तब मिल जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बर्बाद कर सकता था, मुझे बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, इसलिए मैंने ज़्यादा अपना वक्त नहीं बर्बाद किया और मैंने इसको मंगा लिया। तो फटाफट से इसकी सब कुछ टेस्टिंग वगैरह करके आपको दिखा देता हूँ, और ड्रिल मशीन कैसे काम करेगा वो भी आपको वीडियो के आगे देखने को मिल जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, कुछ इस तरीके के लुक एंड फील के साथ हमारा जो बॉश का टूल किट है ये आता है, और जो प्लास्टिक का क्वालिटी है ये काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। आपके जितने भी टूल किट्स वगैरह हैं वो इसी के अंदर में बहुत आराम से सेफ रहेंगे। यहाँ पे आप इसको खोल के अपने टूल्स को एक्सेस कर सकते हो, और सिक्योरिटी के लिए आपको यहाँ पे एक छोटा सा आपको पोर्ट भी मिल जाता है, जिसके अंदर में आप ताला चाहो तो मार सकते हो। अगर आपके घर में बच्चे शैतानी करते या फिर आप किसी वर्किंग प्रोफेशनल जगह पर काम करते हो जहाँ पे आपके कोवर्कर्स थोड़ी आपके साथ मस्ती करते हैं, आप नहीं चाहते हो कि आपके टूल्स को कोई एक्सेस करे या फिर डैमेज करे किसी भी तरीके से, तो आप इसमें प्रॉपर तरीके से ताला मार के भी रख सकते हो। और एक आपको यहाँ पे प्रॉपर सील मिल जाएगा, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो इसको एक्चुअली मैंने यहाँ पे चिपका दिया है, ये आपको यहाँ पे मिलेगा जब आप इसको फर्स्ट टाइम बाई करोगे, और इसको आपको प्रॉपर तरीके से सील को काटना पड़ेगा, फिर आप नोच के भी निकाल सकते हो। तो ये इसके जेन्युइन होने का एक सर्टिफिकेशन के साथ आता है, और जब आप इसको ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का आपको नज़ारा मिलेगा। और काफ़ी सारे टूल्स आपको देख के आप पहले शुरू में तो आप काफ़ी ज़्यादा अकबका जाओगे कि भाई क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मिल रही। तो एक आपको इंची टेप मिल जाता है यहाँ पे, काफ़ी सारे आपको स्क्रू को ओपन करने के लिए आपको अलग अलग हेड्स मिल जाते हैं और बिट्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको एक कटर मिल जाता है, जिसकी मदद से आप कुछ पेपर वगैरह काटना चाहते हो, वायर वगैरह कुछ काटना चाहते हो, तो इसकी मदद से आप कर सकते हो। और इन सारे ये जो स्क्रू ओपनर्स हैं, जो हमारे बिट्स हैं, इनको ओपन करने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक होल्डर भी मिल जाता है, और ये एक मैग्नेटिक होल्डर है। और यहाँ पे आपको अलग अलग सरफेसेस पे ड्रिल करने के लिए आपको अलग अलग ड्रिल बिट मिल जाता है। आपको वुडन के लिए ये वाला ब्लैक वाले पार्ट है, और दीवार वगैरह पे ड्रिल करने के लिए ये है, और मेटल पे ड्रिल करने के लिए हमारे पास ये सारे ड्रिल बिट हैं। और सबका अलग अलग साइज़ भी दिया, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, यहाँ पे 4, 5, 6, 8 और 10, वैसे ही 4, 5, 6 और 8। तो आपको दीवार वगैरह पे अगर मोटा ड्रिल करना है तो आपको 10 mm तक का मिलता है, बाकी सब में 4 से 8 mm तक आपको मिल जाता है। तो इस साइड में बस आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पे आपको इस प्लास्टिक के अंदर में आपको सारे के सारे अलग अलग साइजेस के आपको स्क्रूज़ एंड प्लग्स मिल जाते हैं, आपको उसी के कंपैटिबिलिटी के साथ ये सारे के सारे आते हैं, तो इनको भी आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। आपको हार्डवेयर के किसी शॉप पे जाने का ज़रूरत नहीं, ये आपको काफ़ी दिन तक आपको सर्व कर देंगे। तो ये इस पार्ट में हमारा ये पूरा का पूरा काम निपट गया। अब बात कर लेते हैं हमारे ड्रिल मशीन, देख रही है 500 वाट के साथ आता है, और इसको आप चाहो तो कुछ कुछ ऐसे एरियाज रहते हैं जहाँ पे आप अपने रिंच को यूज़ करके आप उसमें प्रॉपर तरीके से आप उसको ओपन नहीं कर सकते हो, तो उस केस में आप इसको रिवर्स मोड में भी चला सकते हो इस वाले बटन के थ्रू, ये इधर इधर जाता है, तो आप इसके मदद से भी आप इसको रिवर्स मोड में कर सकते हो। और इसको आप जितना ज़ोर से दबाओगे इसका जो स्पीड है इसके रोटेशन का वो उतना तेज़ बढ़ता है, तो इसमें कुछ भी गियर्स वगैरह का झंझट नहीं है, आप जितना तेज़ दबाओगे ये उतना तेज़ घूमता है। इसके बारे में मुझे अभी फ़िलहाल आइडिया नहीं, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि इससे क्या होता है।
और जब आप इसको फर्स्ट टाइम बाई करोगे तो यहाँ पे आपको एक QR कोड मिल जाएगा, तो इसको यूज़ करके आप अपने वारंटी वगैरह को एक्सटेंड कर सकते हो। एक साल का वारंटी आपका एक्सटेंड हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है एक साल 6 महीने का वारंटी, और एक्सटेंड करने के बाद आपको एक साल का वारंटी आपको और मिल जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया कि यहाँ पे आपको एक ये आपको की मिल जाता है, जिसकी मदद से आप अपने चक पे, ये जो चक देख रहे हो, तो इसको आप इसके दांत को आप चाहो तो इसको आप टाइट भी कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो टीथ है ये अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये आपको जितने भी आपके वहाँ पे होल्डर्स वगैरह हैं इनको लॉक करने के काम आएगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चल पाए। तो जब आप इसमें इस होल्डर को डालोगे उसके बाद आपको सिंपली इस की के मदद से आपको इसको टाइट कर देना है, ताकि जब आप ड्रिल करो तो ये बाहर ना आए। उसके बाद इसके अंदर में आप कुछ भी अगर नट वगैरह खोलना चाहते हो तो इस तरीके से आप लगा के नट वगैरह को ओपन कर सकते हो। तो अभी देख सकते हो ये बिल्कुल भी नहीं निकल रहा, काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गया। तो वापस अगर आप इसको खोलना चाहते हो तो आपको इस की का हेल्प लेना पड़ेगा। और अभी देखो बड़े आराम से बाहर आ गया। और इस वाले पार्ट को आपको इसके साथ ही इंस्टॉल, इसके साथ में रखना, ताकि ये मिसप्लेस ना हो यहाँ पे। ये तो की अगर मिसप्लेस हो जाएगा तो इसको आपको निकालने में दिक्कत हो जाएगा, आपको फिर किसी दूसरे टूल किट से निकाल के लेके आना पड़ेगा इसको ओपन करने के लिए। तो ये तो खैर बात हो गई इसकी। इसके अलावा आपको रिंच मिल जाता है यहाँ पे, और ये स्लाइडिंग के साथ आता है। तो आपको अलग अलग, जैसे पाना भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो आपको अलग अलग साइजेस को बाय करने का ज़रूरत नहीं। ये थोड़े से महंगे आते हैं इस टाइप वाले, जो वेरिएबल साइज रहते हैं, आपको जिस साइज़ का चाहिए आप इसे से यहाँ पे टाइट कर सकते हो, उसके बाद आप इसको ओपन कर सकते हो। प्लायर के भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी भी बिल्ड क्वालिटी, जो स्टील जो इसमें यूज़ किया गया वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। वो चाइना वाला जो माल आता है वैसा नहीं, ये प्रॉपर तरीके से आपको पॉलिश करके दिया गया है। लेकिन इसका ये पूरा का पूरा यहाँ पर देख सकते हो, ये फोर्ज स्टील है, बहुत ज़्यादा ये स्ट्रांग होता है। ऑटोमोटिव वगैरह में जब आप कार्स वगैरह देखते हो या फिर ट्रैक्टर वगैरह के जो मेटल्स वगैरह पार्ट वगैरह बनते हैं, तो वो आपको फोर्ज स्टील से ही बनाए जाते हैं। ये आपको एक हैमर मिल जाता है, आप इसमें कील वगैरह भी निकाल सकते हो। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इसको भी अच्छे तरीके से यहाँ पर शार्प किया गया है। तो आप कुछ उखाड़ना उगड़ना चाहते हो कील वगैरह, तो इसका भी क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसको भी ये अपर जो पार्ट है ये पूरा का पूरा फोर्ज स्टील से बनाया गया है, और ये मुझे सिर्फ नॉर्मल स्टील लग रहा है। और इसमें ये जो ग्रिप आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा रबराइज्ड प्लास्टिक इसमें यूज़ किया गया, तो आपको ग्रिप जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। और ये सब कुछ प्रॉपर तरीके से अपने पोजिशन पर लॉक हो जाता है। ये इसके बाद देख रहे हो, ये हिलता नहीं है। और यहाँ पर आपको एक लेवल मीटर मिल जाएगा, ये काफ़ी ठीक ठाक सा एक एवरेज क्वालिटी के प्लास्टिक के बिल्ड के साथ आता है। और ठीक है, काम भर का चल जाएगा आपको। अगर आप कुछ बैलेंसिंग वगैरह कुछ काम करो, आप पेंटिंग वगैरह कहीं पर टांग रहे हो, आपको एकदम पूरा प्रॉपर हॉरिजॉन्टल वगैरह चाहिए, तो आप इसके मदद से आप कर सकते हो, सरफेस को बैलेंस कर सकते हो। और गाइस, ये जो टूल किट आपको मिल रहा है इसके मदद से आप नट्स वगैरह को ओपन कर सकते हो। ये इसका होल्डर है जिसके मदद से आप इसको लगा सकते हो। आपको जिस भी साइज़ का चाहिए, 4 से लेकर 10 mm तक का आपको मिल जाता है इसमें। तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे, हल्का सा एक बेयरिंग बॉल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसके अंदर में जाएगा और ये प्रॉपर लॉक हो जाता है। इसके बाद इसको आपको अपने चक में लगाना है। तो गाइस, इस तरीके से आपका ये जो स्क्रू ओपनर ही आपका रेडी हो जाएगा। आप जिस भी आप नट को चाहते हो, आप 4 mm का नट को ओपन करना चाहते हो, तो ये बस आपको लगाना है। उसके बाद आप चाहो तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो और अपने नट्स वगैरह को आप ओपन कर सकते हो, और काफ़ी फास्ट तरीके से ओपन कर देगा। इसमें आपको बहुत ज़्यादा पावर मिल जाता है, तो आपको कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको बटन दबाने का देरी हो और आपका जो नट है वो बाहर आ जाएगा। तो गाइस, अभी मैं आपको थोड़ा सा कुछ सैंपल दिखा देता हूँ। ये वाला जो हमारा लकड़ी का तख्ता था, ये 1/2 inch का है, तो इसमें एक बार ड्रिल करके देख लेते हैं कि किस तरीके से ये ड्रिल करता है। अब गाइस देखो, हमारा सेटअप ऑलमोस्ट रेडी है। अब आपको अगर क्लॉकवाइज सपोज चाहिए हो तो आप इसको ऊपर में रखना, और अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, सपोज़ करो कि आपका कभी ड्रिल करते वक्त आप दीवार वगैरह में ड्रिल करो, बिट ये फंस जाता है, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। उसके इसमें आपको इसको नीचे की तरफ प्रेस करना है, यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से। और जब इसको इस तरफ अपने तरफ खींच के जब रखते हो इस तरीके से, तो ये फिर क्लॉकवाइज घूमता है। और चाहो तो आप ड्रिल कर सकते हो बड़े आराम से, मैं आपको एक बार ड्रिल करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो बिल्कुल ही मक्खन की तरह ये ड्रिल कर रहा है। ये 1/2 inch को कुछ सेकेंड्स भी इसको नहीं लगे। और ड्रिल की क्वालिटी अगर आप बात करें तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा स्मूथ तरीके से हैंडल कर ले रहा है। अब देखो, ये प्रॉपर तरीके से ड्रिल नहीं हो पा रहा है, जस्ट बिकॉज ये यहाँ पे फिसल रहा है थोड़ा। कोई अगर कोई बंदा पकड़ने के लिए रहता पाइप को, तो डेफिनेटली मैं आराम से इस पर ड्रिल कर पाता, लेकिन अभी ये देख रहा हूँ मैं जब चला रहा हूँ इसको, तो ये इस पर डांस करने लग रहा है, मून वॉक करने लग रहा है।
तो आप देख सकते हो कि यहाँ तक ये बहुत ही मक्खन की तरह बहुत ही आराम से ईंट वगैरह में भी ड्रिल कर दे रहा है, लकड़ी वगैरह में ड्रिल कर दे रहा है। तो गाइस बात कर लेते हैं फाइनल कंक्लूजन के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी से। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। 4000 रुपये के बजट में आपको जितना कुछ आपको मिल रहा है, चाहे वो इसका ऊपर का इनकेसिंग हो जिसके अंदर में आपके सारे के सारे कंपोनेंट्स रहने वाले हैं, या आपके इंटरनल कंपोनेंट्स को काफ़ी हद तक सेफ रखने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, अंदर में जो आपको मेटल्स वगैरह जो यूज़ किए गए, चाहे वो ड्रिल बिट हो, चाहे वो आपका हैमर के अंदर में जो फोर्ज स्टील यूज़ किया गया है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। आप चाइनीज़ वाले भी प्लाइज वगैरह बाई करोगे तो वो बहुत सस्ते मिलते हैं, लेकिन आपने बहुत बार ऐसा भी देखा हो कि रिंच वगैरह बहुत ज़्यादा जगहों पर काम करते हुए टूट जाता है, जस्ट बिकॉज वो फोर्जिंग टेक्निक के साथ नहीं बनाए रहते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहता है। और चाइनीज़ वाले बस देखने में ऊपर से ज़्यादा खूबसूरत रहते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत ही कमज़ोर रहते हैं और ईजिली टूट जाते हैं वो। वहीं पे इसमें आपको जो हैमर्स वगैरह मिल रहा है या फिर जो आपको प्लायर मिल रहा है, उसके ड्यूरेबिलिटी को लेकर आप बिल्कुल ही निश्चिंत रह सकते हो। और जो ड्रिलिंग मशीन का जो क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा टॉप नॉच है। अगर आप कोई अंडर 2000 अंडर 2.5000 वाले अगर आप ड्रिल मशीन से अगर आप इसको कंपेयर करोगे, तो क्वालिटी वाइज अगर आप दोनों को जब हाथ में लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रीमियम है और कौन सा एक बजट सेगमेंट का आपको आप ड्रिल मशीन बाई करो। और दूसरा चीज़ ये है कि आप इस तरीके के जब मशीन पे आप इन्वेस्ट करते हो, इस तरीके के टूल किट पर जब आप इन्वेस्ट करते हो, तो आप 1 साल 1.5 साल के लिए आप इन्वेस्ट नहीं करो, ये आप 8 साल 10 साल तक आप यूज़ करने वाले हो। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके चलो कि आपको लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी अच्छे तरीके से सर्व करेगा, आपका पैसा और वक्त दोनों ही इसको यूज़ करते हुए बचेगा। तो डेफिनेटली ये आपके घर में एक काफ़ी अच्छा और काफ़ी एक स्मार्ट एड ऑन रहेगा। अगर आप खुद के लिए बाई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। कुछ सवाल या सुझाव हो इसके रिगार्डिंग में तो मुझे बेझिझक होकर पूछ सकते हो। मैं पाइप के ऊपर में ड्रिल करके नहीं दिखा पाया क्योंकि पाइप पे जब भी मैं ड्रिल कर रहा था तो वो खिसक जा रहा था जो ड्रिल मशीन था, और मेरे पास कोई मेटल शीट नहीं है जिसके ऊपर मैं प्रॉपर आपको ड्रिल करके दिखा पाता। तो कुछ और कभी काम रहेगा तो मैं आपको वो इसका जब यूज़ करूँगा तो मैं उसमें आपको कोशिश करूँगा कि मेटल वाले शीट के ऊपर मैं भी आपको ड्रिल करके दिखा दूँ। तो बस आज के लिए इतना था, अपना ख्याल रखो, बाय बाय एंड पीस आउट।